तो दोस्तों यह है राख, चूल्हा में ही मिल जाता है वाला, इसी से रगड़ना पड़ता है। यह है ना, बहुत मेहनत लगती है इसको, हमसे तो नहीं होता लेकिन मजबूरी में धोना पड़ता है इसे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शीतल और आप देख रहे हैं शीतल लुगुन ब्लॉग। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप लोग भी ठीक हैं। दोस्तों तो आज से 3 दिन के लिए हमको पूरा घर का सारा काम करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, फिर खाना पीना से लेकर नाश्ता तक सब बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दीदी है ना अभी घर पर नहीं है, वो घूंटी चले गई है, एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम के लिए वो लिखने के लिए चले गई है, तो सारा काम अब हम ही को करना पड़ेगा। तो आज कॉलेज से आते वक्त हम उधर से मार्केट करते हुए आए, वहीं से हम लोग प्याज सब लेते लाए, प्याज टमाटर और अभी के लिए बनाने के लिए मछली लेते आए हैं। तो दोस्तों अभी सबसे पहले तो हम अपने जो तभी बनाए थे सुबह वो सबको बर्तन सबको धो लेते हैं, फिर उसको धोते हैं, फिर खाना पीना बनाते हैं, चढ़ाते हैं। लाइट है ना हम लोगों तरफ कट गया, इतना टाइम को डेली होता है ना, शाम में वही 5 बजे कट जाता है, उसके बाद सीधे 7 बजे आता है, 7, 8 बजे पढ़ाई के टाइम पे चल जाता है, मूड भी नहीं करता पढ़ने। तो हमारे वीडियो पे बने रहिए, कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। दोस्तों अभी हम किचन आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारा कबाड़ा हुआ है, इधर बर्तन सब धोना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, लाइट भी नहीं है, पानी है, तो अच्छा हो कि पहले हम भरे चुके थे, अंधेरा लग रहा है, इधर इमरजेंसी लाइट से अपने आप को लाइट कर रहे हैं अभी। तो झाड़ू भी करना पड़ेगा, यहाँ कचरा हो गया पूरा नीचे भी, तो बने रहिए वीडियो में। ये रहा दोस्तों, हम लोग टमाटर लेके लाए हैं बाज़ार से, हम लोग का यहाँ के बाज़ार, तो इसको हम लोग धो के रखते हैं ट्रे पे, इसको धो लेते हैं, ताकि ये है ना इसमें पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ रहता है, कचरा सब गंदा ही रहता है ना, धो के रख देते हैं, फिर इसको हम लोग काटते हैं, उससे पहले भी धो के डालते हैं, तो वीडियो पर बने। तो दोस्तों टमाटर को धो लिए हैं, अब इसको घर में अंदर करते हैं, इसको है ना इसका पानी है तो इसको थोड़ा सा निथरने देते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ट्रे में नहीं रखेंगे यहाँ, क्योंकि नीचे में प्याज है आलू है सड़ जाएगा, फिर पानी गिरेगा ना इसका, तो पहले निथरा लेगा फिर वहाँ डाल देंगे। तो उससे पहले हम लोग बर्तन धो लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ बर्तन धो रहे हैं, ये है डिक्की खाना बनाने वाला, फिर कढ़ाई है, तो इसको बस धोना है हम लोग को। तो दोस्तों ये है राख, चूल्हा में ही मिल जाता है वाला, उसी से रगड़ना पड़ता है, यह है ना बहुत मेहनत लगती है इसको, हमसे तो नहीं होता लेकिन मजबूरी में धोना पड़ता है इसे। यह ना दोस्तों, इसको रगड़ रगड़ के मेरा हालत पंचर हो गया, बहुत दिन बाद रगड़ रहे हैं, तो हमको भी नहीं पता, ठीक से भी नहीं छूट रहे हैं, दीदी आएगी उसको तो रगड़ेगी अच्छा से, तब तक ऐसे हम लोग बनाते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पूरे बर्तन को धो लिए हैं, इसमें अब खाना चढ़ाते हैं, तो आगे देखिएगा हम लोग कैसे पकाते हैं वीडियो में। हाँ दोस्तों, हम लोग बर्तन धोए, उसमें बसंग पानी, क्या अंधेरा पानी की अंगन पानी की पता नहीं क्या बोलते हैं, वो चढ़ा लिए हैं, हमें पापा आग जलाया हुआ था तो उसको हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। अब हम लोग को सब्ज़ी बनाना है, सब्ज़ी बनाते हैं जो मार्केट से लाए थे, तो हम लोग मछली लेके लाए हैं उसी को बनाएंगे, तो देखिएगा हम लोग कैसे वहाँ पे बनाते हैं। तो दोस्तों हम लोग खाना बनाने के लिए पानी चढ़ा लिए हैं, अब हम लोग थोड़ा घर है ना, अब बोले नहीं जा रहे, घर है ना गंदा है तो झाड़ू कर लेते हैं, हालांकि हम लोग लेट से आए हैं तो इसीलिए जल्दी नहीं हो पा रहा है, झाड़ू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जी के लिए तैयार करते हैं। तो हम लोग झाड़ू कर रहे हैं अभी यहाँ को, किचन को, उधर नहीं ले जाओ उसको, इधर लाओ, यहीं पे रखेंगे उसको, बोरा को
रात में है ना, इसको घर में घर से बाहर नहीं निकालते हैं, बोलते हैं हम लोग भी नहीं निकालते इसको, घर बगल में ही रख देते हैं कचरा को। दोस्तों हम लोग मार्केट से मछली लाए हैं, उसको अभी हम लोग धोते हैं फिर बनाएंगे उन लोग को, है ना। प्लास्टिक में लेके लाए हैं, वो बर्फ में रहता है ना बड़ा वाला, क्या बोलते हैं, तो उसको लाए हैं। अब हम लोग संडे संडे लाते थे, लेकिन पता नहीं आज मूड क्या ना था, जैसे ही मार्केट था हम लोग के यहाँ बृहस्पतिवार है, तो वहीं से हम लोग लेके आए हैं। ये ऐसे पैकिंग हुआ है प्लास्टिक में, दो दो प्लास्टिक में था। इसको हम लोग धो लेते हैं, क्योंकि पता है ना बाहर का मार्केट का चीज कैसा होता है, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों इसको हम धोने के लिए लाए हैं यहाँ पानी के पास, ये रहा पानी इसमें थोड़ा सा है ना दोस्तों, इसमें क्या बोले अजीब सा लगता है छूने से, और क्या बोलते हैं उसको, लेसर बेडर टाइप का वाला उस टाइप का है, खाने में इतना मज़ा आता है बोलिए मत। तो मछली को हम लोग धो लिए हैं, अब इसको फ्राई करते हैं। इसके लिए हमें कढ़ाई चढ़ाना पड़ेगा, अभी हम लोग कढ़ाई में तेल डाल लिए हैं इसको फ्राई करने के लिए, तो हम लोग फ्राई करेंगे अभी इसको। इतना बड़ा बड़ा पीस है, तेल भी गर्म हो रहा है दोस्तों, तेल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम लोग फिर इसको डालेंगे। हम लोग फिर इसको थोड़ा कम आँच में कम ही इसको फ्राई करेंगे, ताकि बढ़िया से फ्राई हो। जब तक वो फ्राई होता है हम लोग टमाटर काटते हैं, टमाटर है इसको हम काटते हैं, प्याज सब मसाला बनाते हैं। तो दोस्तों अभी हम टमाटर काट रहे हैं यहाँ पे, इसको काटते हैं जल्दी जल्दी, तब तक हम लोग का मछली है ना वो फ्राई हो जाएगा। फाइनली दोस्तों हम टमाटर को काट लिए पूरा बारीकी से, यहाँ प्याज सब काटते हैं। उससे पहले हम चावल चढ़ा के आते हैं, क्योंकि पानी हो ना गर्म हो गया है, तो आगे चावल चढ़ाने जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम चावल को निकाल लिए हैं और इसको धो लेते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि इसमें भी गंदा रहता है ना, चावल को धो लिया करते हैं फिर इसको चढ़ाते हैं, सब चीज़ का पानी ही इसको धोते हैं हम लोग, एक दो बार धो लेते हैं इसको फिर चढ़ाते हैं वहाँ पर, हम अपना चूल्हा बना है ना वहाँ पे बाहर में। तो दोस्तों खाना को हम चढ़ा लिए हैं, चावल को चढ़ाए हैं खाना को नहीं, और अभी हम सब्जी बनाने तरफ जाते हैं, प्याज सब नहीं काटे हैं, काटते हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों कि लड़कियां घर में नहीं होती है तो सारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसी मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि सारा काम हमें करना पड़ रहा है। फिर सुबह उठेंगे, सुबह को भी वही सुबह उठेंगे फिर झाड़ू करना पड़ेगा, फिर वही खाना पीना, बिजी नहीं है तो अजीब से लग रहा है, मज़ा भी नहीं आ रहा घर पे, चिरबिरे चिरबिरे होते रहता था, पर अब दीदी भी नहीं है, कैसे चिरबिरे करेंगे, काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेरे साथ। तो दोस्तों अभी हम प्याज काट रहे हैं, प्याज जिसको काटने से ना आँख में आंसू आता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्याज है, अदरक है और लहसुन और मिर्चा बिल्कुल कट के तैयार हो गया, तो फटाफट इसको हम लोग मसाला बनाते हैं, मतलब कि इसको हम लोग पीसते हैं, तो फटाफट पीसते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्याज है ना उसको भी हम लोग पीस लिए हैं, और अदरक है लहसुन है उसको भी पीस लिए हैं, तो अब हम लोग का फ्राई भी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसको बनाते हैं फटाफट। दोस्तों अभी हमको सब्जी बनाना पड़ रहा है, मछली बना रहे हैं, ये रहा प्याज डाले हैं, प्याज को थोड़ा सा लाल होने देते हैं,
ताकि अच्छी ग्रेवी बने। तो दोस्तों यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है ग्रेवी, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा इसका पानी है ना इसको घटने देते हैं, फिर हम लोग टमाटर डालते हैं। फाइनली गाइस हम अभी खाना और सब्जी बना ली है, तो अब हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग खाना पीना बना लिए हैं, देख ही लिए थे आप लोग, बना लिए थे, तो अभी हम लोग खा रहे हैं। इधर पापा बैठे हुए हैं, मम्मी बैठी है, बहुत टेस्टी बनाया है जी। हाँ उंगली चाट लीजिएगा, अरे मछली इतना स्वादिष्ट बनाया कि इधर बाबा की खेला, मेरे दीदी को फेल कर दिया। एक्चुअली हम पहली बार बनाए थे, फिर भी इतना टेस्टी बनाया बोल के बोल रहे हैं पापा। हम लोग खाना खा लेते हैं फिर बर्तन धोते हैं। सर्टिफिकेट नहीं था, सर्टिफिकेट भी दे देते तुमको, बनवा लीजिए, मैं आपको भेज दीजिएगा। देखो दीदी नाम करे मछली खा रहे हैं बोल के हम लोग फोन किए गए इसीलिए। दोस्तों हम लोग का शाम का खाना पीना हो गया है, खाना पीना खा ली है, लेकिन हम लोग बर्तन नहीं धोए हैं, है ना, लाइट कट गया तो हम लोग बर्तन नहीं धोए, पानी ठंडा है तो छूने का मन नहीं किया अभी, मतलब सुस्ती लगा बोलिएगा तो। और दीदी नहीं है ना, ये सब काम मेरे से होने वाला नहीं है, तो मुझे मन नहीं किया अभी, तो उसके लिए हम नहीं धोए। हालांकि हम पहले बोले थे बर्तन धोएंगे, अभी ना शाम हुआ तो धो नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, सुबह को फिर हमें को धोना पड़ेगा, फिर करेंगे उसको भी हम। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पता है ना, क्योंकि जिस घर पे लड़की नहीं होती है उसमें सारा काम लड़का को ही करना पड़ता है, तो वैसे ही मेरे साथ भी स्थिति बना हुआ है अभी 2-3 दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं, उसके बाद दीदी आएगी फिर सारा काम तो उसी को करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं फिर भी ऐसे, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी कुछ थोड़ा बहुत होता है ना, कुछ कुछ को हम बनाने नहीं जानते हैं तो वही प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।